क्या आप जानते हैं कि एक ऐसी यूनिक हैबिट है जो हर सक्सेसफुल आदमी ने कही है कि वो हैबिट उनके पास स्टार्टिंग से थी, जब उनके पास कुछ भी नहीं था, जब उन्होंने कुछ अचीव नहीं किया था। गेस कीजिए कि वो हैबिट क्या है। अगर वो एक हैबिट हम अपने अंदर डाल देते हैं तो जिन गोल्स को अचीव करने के लिए हमें 10 साल 20 साल लगने थे उन्हें हम 6 महीने में 1 साल में अचीव कर सकते हैं। क्या आपने गेस किया कि वो हैबिट हो क्या सकती है? वो हैबिट है बुक्स। ये एक अकेली ऐसी हैबिट है जो हमारा पूरा माइंडसेट चेंज कर सकती है, हमें हमारे गोल से बहुत जल्दी मिलवा सकती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंडिया के सबसे अमीर आदमी मुकेश अंबानी को कि क्या वो आज भी इतने सक्सेसफुल होने के बावजूद कोई बुक्स पढ़ते हैं या नहीं। I read a lot of technical stuff on the technical side. I read non-fiction. So I read 5 or 6 things in at one time. So then in non-fiction, I'm reading. There's a great book that's come on Leonardo da Vinci. Walter Isaacson. Isaacson. He's my favorite author. So I read. तो मुकेश अंबानी आज भी 5-6 बुक्स एक साथ पढ़ते हैं क्योंकि वो जानते हैं उनसे पहले भी बहुत सारे इनोवेटर्स आए हैं, बहुत सारे बिजनेसमैन आए हैं जिनके एक्सपीरियंसेस वो सीखना चाहते हैं, उनके थॉट प्रोसेस को समझना चाहते हैं। लेकिन हम में से कई लोग बोलेंगे कि इन्हें तो हेड स्टार्ट मिला था, ये तो धीरू भाई अंबानी के बेटे हैं, बिजनेस में आने से पहले ही 1 करोड़पति थे। लेकिन अब हम एक आम लड़के की कहानी देखते हैं जो बिल्कुल मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुआ। हर रोज वो छुपके लाइब्रेरी जाता था, बुक्स पढ़ता था और हमेशा ये इमेजिन करता था कि क्या एक दिन मैं भी कोई बिजनेस चला सकता हूं, मैं भी कोई साइंस की डिस्कवरी कर सकता हूं। और बाद में ये दुनिया का सबसे अमीर आदमी बना बिना किसी की मदद से, बिना कोई हेड स्टार्ट से। Get as many books as I wanted. I could go to the library. Early reading lets you imagine all these situations and start to think of yourself. You know, could I ever run a business? Could I ever discover something in science? जो मेरी सबसे फेवरेट स्टोरी है वो है इलॉन मस्क की। क्या आप जानते हैं इलॉन मस्क एक ऐसा लड़का है जिसकी माँ उसे बचपन में बहरा समझती थी क्योंकि वो हमेशा खोए खोए रहते थे। उनके स्कूल में उनके क्लासमेट्स उन्हें बहुत तंग किया करते थे। एक बार जब वो अपने क्लासरूम के बाहर बैठे थे तो एक लड़का पीछे से आया और उसने जोर से इलॉन मस्क के सर पे लात मार दी जिससे वो सीढ़ियों से गिर गए और उनके सर से खून निकलने लगा। उसके बावजूद सारे लड़के उन्हें किक मारते रहे और वो बेहोश हो गए। पूरे स्कूल टाइम में वो डर डर के स्कूल जाते थे और उन्होंने बुक्स को ही अपना बेस्ट फ्रेंड बना दिया। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इलॉन मस्क ने बचपन में एक फिक्शनल बुक पढ़ी थी जिसका नाम है हिच हाइकर्स गाइड टू गैलेक्सी, जिसमें एक लड़का आर्थर डेंट बहुत सारे प्लैनेट्स विजिट करता है, अपनी गैलेक्सी घूमता है। इस बुक ने इलॉन के दिमाग में इतना इंप्रेशन क्रिएट किया कि दूसरे प्लैनेट में जाने का उनका मेंटल बैरियर ही खत्म हो गया और उन्हें ये बहुत नॉर्मल बात लगने लगी। जहाँ पर कोई भी प्राइवेट कंपनी एक स्पेस की कंपनी बनने से बहुत डरती थी, इलॉन मस्क ने एक $1 बिलियन कंपनी खोल डाली जिसका नाम दिया SpaceX, जिसका मिशन ही मार्स में जाना है और ह्यूमन स्पीशीज को इंटरप्लैनेटरी बनाना है। अभी इन्होंने रॉकेट्स में इतनी डेवलपमेंट कर ली है कि इनके रॉकेट्स स्पेस में जाके सैटेलाइट लॉन्च करके वापस धरती पर वर्टिकल आ जाते हैं। इलॉन मस्क अभी भी बहुत लोगों की बायोग्राफीज पढ़ते हैं ताकि ये उनसे कुछ सीख सके। I like biographies in general. Biographies, I think, are really, always, you know, really interesting read. I think you learn a lot, depending upon, you know, whose life you're reading about. There are lots of lessons in there. I read Isaacson's biography of Jobs, which I thought was quite interesting, and I actually really liked his biography of Benjamin Franklin, who I would say is certainly one of my heroes. He seemed like a really great guy. और मिस्टर शशि थरूर ने तो अपने 13वें साल में ही 365 डेज में 365 बुक्स पढ़ डाली, इसीलिए उनका इंटेलेक्चुअल लेवल एक एवरेज इंसान से 10 गुना ज्यादा है। I think I was reading and I actually there was one particular year, I think the year of my 13th birthday that I decided to set myself the challenge of finishing 365 books in 365 days and I did and I kept a list at that point to prove it. So I mean I was a voracious and rapid reader. तो अब सवाल ये आता है कि क्या बुक पढ़ने का इतना ज्यादा फायदा है? बुक पढ़ने का इससे भी ज्यादा फायदा है। आप अपनी जिंदगी के कम से कम 10 साल बचा सकते हैं अगर आप एक सही बुक पढ़ ले तो। अगर आप बिजनेस में इंटरेस्टेड हैं तो आप रिच डैड पुअर डैड पढ़ सकते हैं, लीन स्टार्टअप पढ़ सकते हैं, हार्ड थिंग्स अबाउट हार्ड थिंग्स पढ़ सकते हैं या फिर मिलियनेयर रियल एस्टेट इन्वेस्टर पढ़ सकते हैं। इन बुक के ऑथर्स कोई MBA प्रोफेसर नहीं है जिन्होंने कभी बिजनेस किया ही नहीं और आपको सिर्फ यूजलेस थियोरीज बताते रहेंगे। ये लोग आपको रियल एडवाइस देंगे। इन लोगों ने खुद लाखों के करोड़ों के बिजनेस किए हैं और शुरुआत एक बिल्कुल आम इंसान से की थी। ये जानते हैं कि मार्केट में क्या चलता है, आपकी साइकोलॉजी क्या होती है, हम कब हार मान लेते हैं और कौन सी गलतियां करते हैं। अगर हम रिच डैड पुअर डैड बुक के ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी की बात करें तो इन्होंने एक नॉर्मल सेल्समैन की तरह स्टार्ट किया था, उसके बाद 2 बिजनेसेस खोले, वॉलेट और टी-शर्ट्स के, और ये दोनों के दोनों बिजनेस फेल हो गए। उसके बाद प्रॉपर्टी बिजनेस में इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया और एक ऑथर भी बने और मिलियंस कमाए। इनके पूरे जिंदगी के एक्सपीरियंसेस इन बुक्स में लिखे हैं।
अगर हम लीन स्टार्टअप बुक के ऑथर एरिक राइस की बात करें, एक रियल बिजनेसमैन, इन्होंने एक प्रिंसिपल निकाला है जिससे कोई भी बिजनेस सक्सेसफुल हो सकता है। इनकी मेथोडोलॉजी कहती है कि हमें गधों की तरह किसी भी प्रोडक्ट पर लगातार काम नहीं करते रहना चाहिए, बल्कि सबसे सस्ता प्रोडक्ट बना के पहले कस्टमर का फीडबैक लेना चाहिए और इसी तरीके से अपने हर वर्जन को इम्प्रूव करना चाहिए। इसका परफेक्ट एग्जाम्पल आता है बफर ऐप। बफर ऐप के फाउंडर जोल ने एक आइडिया सोचा। उस आइडिया का कॉन्सेप्ट था कि वो एक ऐसी ऐप बनाए जिससे सारे सोशल मीडिया अकाउंट उस सिंगल ऐप से कंट्रोल हो जाए। इसके लिए उन्होंने गधों की तरह उस ऐप पर इन्वेस्ट करना स्टार्ट नहीं किया, क्योंकि उन्होंने एरिक राइस की बुक द लीन स्टार्टअप पढ़ी थी। इसलिए सबसे पहले उन्होंने 2000 रुपए दे के 3 पेज की वेबसाइट बनाई, जिसके फर्स्ट पेज में लिखा था कि वो ऐप क्या करती है, उसके दूसरे पेज में लिखा था कि वो ऐप किसी कस्टमर को क्यों खरीदनी चाहिए और तीसरे पेज में बाय का बटन था। इस वक्त उन्होंने कोई प्रोडक्ट नहीं बनाया था। उन्होंने $100 एडवर्टाइजमेंट पर खर्च करें और कस्टमर्स को अपनी वेबसाइट पर भेजा और देखा कि उसमें से कितने कस्टमर्स बाय के बटन पर क्लिक करते हैं। इस टेस्टिंग के बाद उन्हें कंफर्म हो गया था कि ऐसी ऐप एक्चुअल में बहुत चलेगी और उसके बाद ही उन्होंने बफर ऐप बनाई और आज बफर ऐप की मार्केट इवैल्यूएशन $400 मिलियन की है। और याद रखिए कि इस ऐप को स्टार्टिंग में टेस्ट करने के लिए उन्हें सिर्फ 2000 रुपए स्पेंड करने पड़े थे। अगर वो डायरेक्टली ऐप बना देते और वो ना चलती तो उनका करोड़ों का नुकसान हो जाता। इमेजिन करिए कि इस सिंपल सी गलती की वजह से कितने बिजनेसेस फेल हो गए होंगे और उसमें आप भी हो सकते थे। हार्ड थिंग्स अबाउट हार्ड थिंग्स बुक के ऑथर बेन होरोविट्स बताते हैं कि जब भी आप कोई कंपनी खोलते हैं, कई बार ऐसी सिचुएशंस आती है जब आपको लगता है कि सब कुछ गलत हो रहा है। उस वक्त आपकी डिसीजन मेकिंग क्या होनी चाहिए, आप उन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि खुद ये एक नॉर्मल इंजीनियर थे और इन्होंने एक कंपनी खोली थी ऑप्सवेयर। उस वक्त इन्होंने जो भी गलतियां करी वो सारी इस बुक में बताई गई है प्रिंसिपल्स की फॉर्म में। और 2007 में यही कंपनी एचपी ह्यूलेट पैकेट को बेची गई थी $1.6 बिलियन में। अगर हम मिलियनेयर रियल एस्टेट इन्वेस्टर बुक के ऑथर गेरी केलर की बात करें तो ये बुक लिखने के लिए गेरी ने 100 मिलियनेयर रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स को बुलाया, उन सब के प्रिंसिपल्स को जॉट डाउन किया और फिर ये बुक लिखी। इसमें एग्जैक्टली बताया गया है कि कैसे हम ऑलमोस्ट जीरो मनी से एक पूरा प्रॉपर्टी का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और कैसे कैसे हमें कोई भी प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए, क्राइटेरिया क्या होना चाहिए ताकि हर साल हम रेंटल इनकम से 7 करोड़ रुपए तक ले सके। मगर अब आप बोलेंगे मैं तो स्टडीज में इंटरेस्टेड हूँ, तो आप कैल न्यूपोर्ट की बुक हाउ टू बिकम अ स्ट्रेट ए स्टूडेंट पढ़ सकते हैं। ये खुद MIT से पढ़े हैं जो कि दुनिया के बेस्ट कॉलेजेस में से एक है, तो इनकी बात तो हमें सुन ही लेनी चाहिए। या फिर बारबरा ओकली की बुक अ माइंड फॉर नंबर्स पढ़ सकते हैं। ये खुद स्टडीज से, मैथ से, साइंस से बहुत डरती थी और आज ये प्रोफेसर है ओकलैंड यूनिवर्सिटी में और स्टडी करने के नए नए तरीकों के कटिंग टेक्नोलॉजी पे काम करती है। या फिर बेनेडिक्ट केरी की बुक हाउ वी लर्न पढ़ सकते हैं। अगर आपकी मेमोरी कमजोर है तो जोशुआ फोर की बुक मून वॉकिंग विद आइंस्टाइन पढ़ सकते हैं। अनलिमिटेड मेमोरी पढ़ सकते हैं, यू कैन हैव एन अमेजिंग मेमोरी पढ़ सकते हैं। अगर आप कम टाइम में ज्यादा आउटपुट चाहते हैं तो आप प्रोडक्टिविटी बुक्स पढ़ सकते हैं, जैसे कि डीप वर्क, द वन थिंग, हाउ टू गेट थिंग्स डन, स्मार्टर बेटर फास्टर, ईट दैट फ्रॉग पढ़ सकते हैं। अगर आप रिलेशनशिप में इंटरेस्टेड हैं, राइटर बनना चाहते हैं, जगलिंग में इंटरेस्टेड हैं, मैजिक में इंटरेस्टेड हैं, म्यूजिक में इंटरेस्टेड हैं, इवन गिटार में इंटरेस्टेड हैं, तो इन सब के लिए इस फील्ड के बेस्ट लोगों ने अपनी पूरी लाइफ के एक्सपीरियंसेस एक बुक में लिखे हैं जिसे हम पढ़ सकते हैं। जब मैं छोटा था तो मेरे डैड एक मुझे कहानी सुनाया करते थे। सड़क में एक बहुत बड़ा गड्ढा था, एक गधा वहां पे आता और हर बार उसी गड्ढे पे गिर जाता। अगले दिन एक इंसान वहां पे आया, वो एक बार गिरा लेकिन उसके बाद वो कभी नहीं गिरा क्योंकि वो अपनी गलतियों से सीख रहा था। लेकिन एक समझदार इंसान, एक इंटेलिजेंट इंसान ये सारी चीजें देख रहा था और वो कभी भी उस गड्ढे पे नहीं गिरा क्योंकि वो औरों की गलतियों से सीख रहा था। अब हमें डिसाइड करना है कि हम गधे हैं या एक इंटेलिजेंट इंसान, क्योंकि अगर हम गधे हैं तो हम अपनी गलतियों से भी नहीं सीख रहे, इसलिए हम अपने सपने कभी भी अचीव नहीं कर पाएंगे। अगर हम एक इंसान हैं तो हम सिर्फ अपनी गलतियों से सीख रहे हैं, इसलिए हम उन सपनों को अचीव करने के लिए इतना टाइम लगा देंगे कि मरने से 5 या 6 साल पहले अपने सपनों तक पहुंचेंगे। और अगर हम एक इंटेलिजेंट इंसान हैं तो हम औरों की गलतियों से, औरों के लाइफ लॉन्ग एक्सपीरियंसेस से सीखेंगे और इसीलिए अपने सपनों को बहुत जल्दी पालेंगे। जो इंसान कहते हैं कि मुझे औरों को कॉपी नहीं करना, मैं तो अपनी गलतियों से ही सीखूंगा, वो इनडायरेक्टली ये कह रहे हैं कि मुझे औरों के एक्सपीरियंसेस से नहीं सीखना, और ऐसे इंसान अनफॉर्चुनेटली गधे ही हैं। अब आप में से कई लोग ये बोलेंगे कि सर एक बुक तो 300 पेजेस की होती है और मैं एक अच्छा रीडर नहीं हूँ, इसके लिए तो मुझे महीनों लग जाएंगे। या फिर जब भी मैं कोई बुक पढ़ता हूँ तो मेरे फ्रेंड्स मुझ पर हंसने लगते हैं। अगर मैं बिजनेस बुक पढ़ता हूँ तो वो कहते हैं क्यों भाई करोड़पति बनेगा, और हंसने लगते हैं। या फिर हम में से कई लोगों को यही नहीं पता कि हम किन बुक से स्टार्ट करें, तो मैं कल की वीडियो में आपको एक पर्सनल मेथड बताऊंगा जो मैं खुद बुक्स पढ़ने के लिए यूज करता हूँ। वो मेथड यूज करके ना ही कोई आप पे हंसेगा, ना ही आपको एक बुक पढ़ने के लिए ज्यादा टाइम लगेगा, और साथ में मैं आपको 30 बुक्स के नाम बताऊंगा और उनकी शॉर्ट समरीज दूंगा जिन्हें पढ़ के आप डिसाइड कर सकते हैं कि स्टार्टिंग में आप कौन सी बुक पढ़ना चाहते हैं। आप कमेंट सेक्शन में लिख के ये बता सकते हैं कि आपको क्या लगता है और कौन से रीजंस हैं जिसकी वजह से हमें बुक पढ़नी चाहिए, या फिर आप अपनी कौन सी स्किल इंप्रूव करना चाहते हैं और किस टॉपिक पर बुक पढ़ना चाहते हैं।
दोस्तों, अगर आप फ्री में हिंदी ऑडियो बुक समरी सुनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे जाके आप हमारी गीगल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आप फेमस बुक सुन सकते हैं, जैसे कि द मिरेकल मॉर्निंग, यू कैन एंड यू विल, हाउ टू मेक फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, ई मिथ रिविजिटेड, 0 to 1, चाणक्य नीति, द वन थिंग, पावर ऑफ हैबिट, विंग्स ऑफ फायर, द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी एंड मैनी मोर। और हर हफ्ते इस ऐप में हम एक नई ऑडियो बुक समरी डालते हैं। अगर आप हमारी वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो हमारा पेज लाइक करने के बाद 3 डॉट्स के बटन को प्रेस करके फॉलो के बटन को सिलेक्ट कीजिए और फाइनली सी फर्स्ट के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। इससे आपको हमारी हर पोस्ट मिलती रहेगी। जय हिंद।